जरा सोचो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप टाइम को स्टॉप कर सको, तो आप उस पावर का इस्तेमाल किन किन चीजों में करोगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी के कैरेक्टर बेन के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल बेन और सूजी को देखते हैं, जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज जाता है और वहाँ पर वो सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे किस कर रही थी, पर आज वो किसी और को किस कर रही है। इसके बाद वहाँ पर बेन का दोस्त शॉन आता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटाना चाहिए, ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन बेन शॉन को कहता है कि अब वो इस हालत में नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर भी वो सिर्फ सूजी की ही पेंटिंग बनाता है। बेन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए एक रात को वो सूजी को फोन भी करता है और उसे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ में हो सकते हैं, पर सूजी बेन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। अब इसके बाद से ही बेन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और वो बस दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसके चलते बेन को नींद आना भी बंद हो जाती है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है पर सो नहीं पाता, इसलिए बेन रात को बुक्स पढ़कर या टीवी देखकर ही अपना टाइम पास करता है। फिर एक रात को बेन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर वो एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा था कि नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को तो रात को नींद आती नहीं थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करना ही सही रहेगा। फिर बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास इंटरव्यू देने जाता है और मैनेजर उसे वहाँ पर काम करने के लिए सेलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उस स्टोर में काम करने लगता है। उस स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शैरन होता है। बेन देखता है कि शैरन जब भी स्टोर में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हैरेस करता था। इसके बाद बेन हमको बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉइज टाइम को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शैरन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता ना चल सके और टाइम जल्दी बीत जाए। शैरन के अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉय भी काम करते हैं, जिनमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है, और ये दोनों स्टोर में काफी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह ही वो दोनों भी अपना टाइम पास करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो सुपरमार्केट में आई सारी सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारता है और उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था, और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था, और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शैरन भी उसके पास आती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकालता है तो उसे देखकर शैरन कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, तो क्या वो ये सैंडविच खा सकती है। अब बेन उसे हाँ बोल देता है और शैरन को वो सैंडविच खिला देता है। शैरन जब वो सैंडविच खा रही थी तो बेन उसे देख रहा होता है और बेन के मन में शैरन के लिए फीलिंग्स जागने लगती है। इसके बाद बेन स्टोर में आता है तो वहाँ पर उसे बैरी और मैट मिलते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शैरन के साथ मूवी देखने जा रहा है, जिसके बाद वो शैरन के साथ इंटीमेट होगा। अब ये सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को पसंद करता था, पर वो उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उस पर प्लास्टर चढ़ गया। फिर जब वो प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सभी लड़के उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेन उसे किस नहीं करता और उठकर वहाँ से चला जाता है। बेन उस लड़की को कहता है कि कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे आ जाता है, पर वो देखता है कि वो लड़की तो वहाँ पर नहीं आती। जिसके बाद अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए अंटार्कटिका शिफ्ट हो गई है। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं, जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। फिर अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पाते क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। फिर बेन जब उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास नहीं बल्कि और भी लोगों के पास है। फिर बेन वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैट फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाकर सीधा मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है।
फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, पर जाने से पहले वो बैन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले बैन शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बैन शैरन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन उसे कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद शैरन मैट से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बैन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्तों पहले ही मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। इसके बाद बैन शैरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शैरन बैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन बहुत ज्यादा नर्वस था इसलिए वो शैरन के गाल पर किस कर देता है, जिसके बाद शैरन मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैबिन में बुलाता है और उनको कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बैन को कुछ पैसे देता है और उसको कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम करो। इसके बाद बैन अपने दोस्त शॉन के पास आता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है, तो उसे अपने बर्थडे पार्टी पर एक स्ट्रिपर चाहिए। अब शॉन बैन को एक बार में ले जाता है और उसे वहाँ पर एक स्ट्रिपर से मिलाता है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे भेज देगी। फिर अगले दिन बैन स्टोर में वापस टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ शैरन की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद शैरन बैन के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बैन उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद शैरन बैन को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब से शैरन ने बैन को किस किया था, उसके बाद से ही बैन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी बैन को फोन करके उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। मैट बैन को कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बैन की ड्राइंग्स बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए वो कल बैन से मिलना चाहता है। अभी सुनकर बैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो शैरन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में बैन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। वहीं शैरन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बैन को उसके साथ में देखकर जलन महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आ जाती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसके बचपन की दोस्त है। जिसके बाद शॉन उसे अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है, तो वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर शैरन के पास आता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन शैरन मैनेजर को मना कर देती है और उसे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बैन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी मिलती है। सूजी बैन को कहती है कि उसे गलती हो गई और वो बैन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बैन को किस करने लगती है, पर बैन सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं शैरन से प्यार करता हूँ। नीचे शैरन बैन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। अब ये देखकर बैन टाइम को फ्रीज कर देता है और शैरन के पास आता है। अब बैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो शैरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो गए थे, पर अभी भी उसके पास शैरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बैन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और शैरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बैन शैरन को मनाने उसके घर जाता है, पर शैरन बैन पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद से ही बैन वापस उदास रहने लगता है और उसको नींद आना भी वापस बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बैन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया था। फिर वो मैनेजर को कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर मेरी पेंटिंग्स देखने को बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुमको कोई कॉल नहीं किया, और तब बैन को समझ आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर बैन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, पर वो मैनेजर बैन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर मैनेजर बैन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शैरन के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो बैन ने उसे भेजा था। इसके बाद हम बैन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी और वो बैन के पास आकर उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगती है, जिसके बाद वो बैन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बैन को याद आता है कि शैरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था, जिसके बाद वो उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर शैरन भी आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग्स को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बैन के पास आती है और बैन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शैरन भी उसे माफ कर देती है। फिर बैन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पर ट्रस्ट करती हो, तो शैरन उसे कहती है कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद वो शैरन को आंख बंद करने को कहता है और जब वो उसे किस करता है तभी वो वहाँ पर टाइम को फ्रीज कर देता है। अब जब शैरन ये सब देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।